और आज हम उस महान शख्सियत के बारे में उनको सल्यूट करने जा रहे हैं, उनका उनका व्यक्तित्व, क्योंकि हम बखान कर नहीं सकते बेटा, कोई अपने शब्दों में उनको समेट नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या प्रेरणादायी बातें हमारी जिंदगी में लागू हो सकती है, उसकी जरूर बात करने वाले। तो आज हम बात करेंगे मिसाइल मैन, जिनका जिनके बहुत सारे स्पेस को लेके बहुत सारे रिसर्चेज है, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका रिसर्च है वो है अग्नि मिसाइल। सारे लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान के व्यक्ति हम, इसलिए हम जानते हैं कि अग्नि मिसाइल उनका सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त वाला इन्वेंशन है, जिसकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित है, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं है किसी दुश्मन का देश की या आसपास के मुल्कों की कि वो हमारी तरफ देख भी ले। ऐसी महान शख्सियत को हम यहाँ से नमन करने जा रहे हैं, उनके जीवन से कुछ सीखने जा रहे हैं। तो आपके सामने वो पर्सनैलिटी आपके सामने आती रहेंगी, हमने स्लाइड्स बनाई ऑटोमेटिक चलने के लिए, ताकि आपको दिखते भी रहे और उनकी बात भी करते रहे। और यहाँ मैं थोड़ा चाहूंगा, आप मोनिका ग्रेट बोल रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब अभी आप इनके बारे में जानेंगे तो पता लगेगा कि वो कितने महान थे और क्यों हमारे सर उनको भगवान का दर्जा या दुनिया उनको भगवान का दर्जा देती है, और क्यों इतनी बड़ी उनकी जो है ना पदवी है, क्यों उनको इतना महान कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं चालू करता हूँ अपने कार्यक्रम, मैं बात करूंगा इनके शुरुआती जीवन की। आप सभी जानते हैं रामेश्वरम, रामेश्वरम का शिव मंदिर हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है, और उसी रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में एक मस्जिद स्ट्रीट में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जलालुद्दीन और माँ का नाम आसी अम्मा। बचपन से ही बहुत ज्यादा महफूज इनके बचपन को कर दिया गया, बहुत ज्यादा इनके जीवन को प्रभावित किया इनके माता पिता ने, बहुत ज्यादा इनको सिखाया जीवन में आगे बढ़ना इनके माता पिता ने, लेकिन साथ साथ ही कुछ गुरुओं ने भी इनको बहुत अच्छी तालीम दी। इनकी परवरिश की बात करें तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर और अया दोराई सोलोमन, ये कहते हैं कि इनकी परवरिश की वजह से ही मैं सही मुकाम पे पहुंच पाया। और इनके जीवन में एक मिडिल क्लास परिवार जो कह सकते हैं, जहां यूं कह सकते हैं कि भूख भी नहीं है तो ज्यादा कोई बरकत मतलब बहुत ज्यादा संपन्नता भी नहीं है, ऐसे परिवार में जन्म लेके आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत बढ़िया आपको तालीम दी गई थी। और साथ साथ इन्होंने कहा, जब हम लोग शिव मंदिर हम लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, उसके बाद में मैं निकल जाता था, 10 मिनट का ही दूरी था शिव मंदिर का, और उसी तरह से मैं परिक्रमा किया करता था शिव मंदिर की जैसे बाहर से आए हुए यात्री किया करते थे। मतलब एक ऐसे मुसलमान जिनका सभी धर्मों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, जिनका सभी धर्मों के प्रति बड़ा एक आदर है, ऐसे व्यक्तित्व थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही, क्योंकि वहीं से इनके जीवन में ये चीज बैठ गई थी, क्योंकि इसी तरह की परवरिश उनकी की गई थी, और इसी तरह से करते करते वो महान व्यक्तित्व की ओर गए थे। और इसके बाद में हम बात करें तो इनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले एक और व्यक्ति थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन इनके बचपन के दोस्त थे, हालांकि उम्र में इनसे 15 साल बड़े थे, लेकिन उनको उनकी दोस्ती बड़ी पसंद आ गई थी, और आगे चल के उनकी बहन की शादी जोहरा की शादी भी इनके साथ हो गई थी, वो भी इनके लिए बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो बहनोई थे जलालुद्दीन जी, वो हमेशा पढ़े लिखे कम होने के बावजूद केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे वहां के जो इंग्लिश बोलना जानते थे, जिनको इंग्लिश की थोड़ी तालीम थी, थोड़ा इनको इंग्लिश आती थी, वो बोलते थे और हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करते थे, हमेशा साइंस के आविष्कारों के बारे में बात करते थे, हमेशा उड़ानों के बारे में बात करते थे। ये बड़ी एक इनके जीवन की एक बड़ी कड़ी थी जहां से इनको प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ ही इनके एक कजिन होते हैं शमसुद्दीन भी इनके जीवन में एक बड़ा अहम रोल रखते हैं। उन्होंने भी अखबार बेच, वहां का जो अखबार का ठेका था रामेश्वरम का, वो सारा का सारा ठेका शमसुद्दीन जी के पास था, जो इनके कजिन थे, भाई थे, बड़े चाचा के लड़के थे। और होता क्या है, यहां से इनका देखिए कहां से जीवन चेंज होता है, एक ट्रेन में 1939 जब वर्ल्ड वार की संभावना हो गई, तो अखबारों का जो आना था वो ट्रेन रुकना, अखबार ट्रेन में आते थे और ट्रेन रुकना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में चलती ट्रेन से अखबारों को फेंकना शुरू कर दिया, जो भी लेके आते थे ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन रुकना बंद हो गई थी, बुरे हालात हो गए थे, हिंदुस्तान को भी वर्ल्ड वार में अपनी फौजों के साथ भाग लेना पड़ा था, और इस बुरे हाल में इमरजेंसी जैसे हालात हो जाने के कारण वहां पर व्यवस्था ये होगी कि ट्रेन का रुकना रामेश्वरम बंद हो गया, धनुषकोडी जाके रुकती थी, तो धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में चलती ट्रेन से अखबारों के गट्ठे फेंक दिए जाते थे। और शमसुद्दीन जो इनके भाई थे, उनको जरूरत पड़ी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनकी मदद कर सके अखबार बांटने में,
और यहाँ इन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी की पहली पगार थे और मेरी जिंदगी की पहली पगार के कारण बने थे मेरे बड़े भाई शमसुद्दीन। शमसुद्दीन के कारण ही मुझे आत्मनिर्भरता मुझे सीखने को मिली थी। मैं अखबार बेचना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ, हमेशा हिंदुओं के जो गुरु होते थे और मेरे फादर, इन दोनों को हमेशा साथ बैठ के एक दूसरे से चर्चा करते हुए सुना करता था, क्योंकि मेरे पिता के, मेरे पूरे परिवार के सभी धर्मों के प्रति बड़ी आस्था और बहुत ही ज़्यादा विश्वास था सभी के अंदर। उसके बाद जब मैं 15 साल का हो गया तो मैंने अपने पिता से इच्छा जाहिर की कि मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए, और वहाँ मुझे मेरे बहनोई जलालुद्दीन, जिनकी शादी मेरी आपा जोहरा से हुई थी, और मेरे कजिन शमसुद्दीन, जलालुद्दीन और शमसुद्दीन दोनों मुझे ले जाके वहाँ रामनाथपुरम छोड़ के आते, और वहाँ पर स्वार्ज हाई स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे लगा मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा सा शहर है, 50,000 की आबादी वाला शहर है, और मुझे बार बार मेरा घर याद आता था, रामेश्वरम याद आता था, क्योंकि रामेश्वरम का सुकून, रामेश्वरम की जो अच्छाई थी वो मुझे वहाँ नजर नहीं आती थी, और बार बार घर याद आता था, और कोई भी मौका घर जाने का मैं छोड़ता नहीं था। जब भी मौका मिलता था मैं रवाना हो जाता था घर के लिए, और यही मेरी जीवन चल रहा था। और 15 साल की उम्र जब हो गई थी वहां पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर सारे वो शौक जाग गए थे जो एक 15 साल के बच्चे में होते हैं, सारे अच्छे बुरे सारे शौक जाग गए थे, और 1950 में मेरा एडमिशन करा दिया गया सेंट जोसेफ कॉलेज, और वहां से मैंने डिग्री किया। उसके बाद में मुझे करना था MIT में एडमिशन लेना था, तो मैं चला गया MIT मद्रास के अंदर, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि 1,000 रुपये फीस के नहीं थे हमारे पास, 1,000 रुपये मेरे फादर के पास फीस के नहीं थे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सारे टेंशन में चल रहे थे, MIT में सिलेक्शन भी हो गया लेकिन फीस कहाँ से लाए, तो बहुत बड़ी मुसीबत वहाँ हो गई थी, और एक ही दिमाग में चल रहा था कि कैसी व्यवस्था करें। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जोहरा, मेरी बहन, मेरी सगी बहन, और उनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने सोने के कड़े और अपनी चेन, गोल्ड चेन बेच के मेरी फीस की व्यवस्था की। मैं अंदर से हिल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से शौक आ गए, लेकिन जहाँ मैं इतना ऐसी स्थिति में जा रहा हूँ वहाँ मेरे घर वाले, मेरी बहन, क्योंकि एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए गहने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए जब उन्होंने अपना कड़ा, सोने का कड़ा और गले में सोने की चेन बेच दी, तो उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल अंदर से रो पड़ा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया अब तो जिंदगी दूसरी तरफ ही लेके जानी है, अब तो इनको दिखाना है कितना मेरे पर कितना बिलीव करते हैं ये लोग कितना विश्वास करते हैं, इनकी श्रद्धा, इनकी आस्था देखिए कि परवाही नहीं कर रहे अपने गहनों की। और सिर्फ 1,000 रुपये फीस जमा कराने के लिए मेरी बहन ने अपने कड़े, अपने गहने बेच दिए। उसके बाद में शुरू होता है इनका जीवन परिवर्तन, और यहाँ से MIT में यहाँ पढ़े कई सारे प्रोफेसर स्पेंडर, कई सारे लोगों ने इनको बहुत प्रभावित किया, और यहाँ BSc जब इनका हो गया, मतलब जो इनका BTech हो गया, उसके बाद में जैसे MIT से निकलते हैं उनके पास जिंदगी ने 2 मौके दिए, उन्होंने 2 इंटरव्यू के लिए अपना अप्लाई किया हुआ था, और वहाँ दोनों ही इंटरव्यू से इनके लिए कॉल आ जाता है, और पहला जो इंटरव्यू था वो दिल्ली में था, डिफेंस मिनिस्ट्री में था, जहाँ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च की पोस्ट थी, डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत के जो डिफेंस रक्षा मंत्रालय वहां पर। तो उन्होंने कहा मुझे वहां जाना था, 2000 किलोमीटर की दूरी थी, मुझे साउथ पूरे रामेश्वरम से हिंदुस्तान के नॉर्थ कोने पे, बिल्कुल नॉर्थ में जाना था, और 2000 किलोमीटर की दूरी थी, मैंने वहां से। उसके बाद साथ ही मेरा दूसरा इंटरव्यू था वो देहरादून में था, और देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू था, एयरफोर्स में, क्योंकि मुझे हमेशा ही उड़ते हुए पक्षी, उड़ते हुए हवाई जहाज मुझे हमेशा ही पेशी यूनिट करते थे, अपनी तरफ आकर्षित करते थे, और मेरे दिमाग में यही बैठा था कि एक दिन मुझे भी इनकी तरह उड़ना है, मुझे भी इनकी तरह ही उड़ान भरनी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहला व्यक्ति था जो रामेश्वरम से उड़ा था पहली बार, जिसने कभी वहां से छोड़ के इतनी दूर गया था या इतनी ऊंचाई तक गया था। तो वहां से उन्होंने कहा मेरे पास 2 मौके थे, मुझे देहरादून में एयरफोर्स का इंटरव्यू देना था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च का भी इंटरव्यू देना था। मैं चल पड़ा, और मैं जब वहां से चला तो खिड़की के पास में बैठा, ट्रेन के बिल्कुल खिड़की के पास में बैठा, और मैंने देखा मेरा मुल्क कितना हसीन है, मेरा मुल्क कितना अच्छा है। मैंने अपने पैरों के नीचे से पूरे मुल्क को जाते हुए देखा, पूरी जमीन को बहते हुए देखा, और बार बार मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे कि यार एक ही देश का,
एक ही कंट्री का इतना लैंडस्केप चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग दृश्य आ रहे थे, कहीं आंधी आ रही थी तो कहीं सूखा आ रहा था, कहीं बरसात थी तो कहीं नदी थी, कहीं पहाड़ थे तो कहीं प्लेन्स थे, एक ही देश लेकिन अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग भूदृश्य। और मैं ट्रेन में बैठा चला ही जा रहा था, सीधा चला गया डिफेंस मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली में, और वहां जाके मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुरंत ही बाद में वहां से निकल गया सीधा देहरादून, जहां पर एयरफोर्स का इंटरव्यू होना था। एयरफोर्स के इंटरव्यू में मैं गया, निकलने के बाद वहीं रुक गया रिजल्ट देखने के लिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा दिल बैठ गया था, क्योंकि 25 लोग इंटरव्यू में बैठे थे और मेरा 90वां नंबर था, और 90वें नंबर पे आने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया था, बिल्कुल मुझे लगा था शायद जीवन मेरे लिए बना ही नहीं है, एकदम अंधकार छा गया मेरे सामने। और वहां से दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ, क्योंकि उनको उनको लग गया था कि शायद आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन उनका हुआ नहीं था। सीधे चले गए ऋषिकेश, ऋषिकेश में जाके वहां पर गंगा में स्नान किया, और पास की एक पहाड़ी थी जहां पर शिवानंद स्वामी का आश्रम था, सीधे शिवानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। वहां जाके उन्होंने शिवानंद स्वामी जैसे ही दिखाई दिए, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार शिवानंद स्वामी को देखा तो मुझे लगा वो महात्मा बुद्ध की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, वो महात्मा बुद्ध जैसे ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने श्वेत दूध जैसी धोती पहन रखी थी, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, बच्चों जैसी मुस्कुराहट थी, तो सूर्य जैसा तेज भी उनके ऊपर था। मैंने प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गया और मैंने कहा, महात्मा जी मैं साउथ से आया हूँ, मैं रामेश्वरम से आया हूँ, और मैं दिल्ली के डिफेंस मिनिस्ट्री में जाके इंटरव्यू देके वहां से सीधा देहरादून एयरफोर्स का इंटरव्यू देने आ गया। डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू रिजल्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं महाराज सीधा देहरादून गया, वहां 25 लोगों में से मेरा 90वां नंबर आया, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा शायद दुनिया मेरे लिए है नहीं, महाराज मुझे बताइए क्या करना चाहिए। उन्होंने शिवानंद स्वामी ने जो लाइनें बोली बेटा, वो लाइनें उनकी जिंदगी को बदल के रख गई, मतलब बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया लाइफ को। शिवानंद स्वामी जी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा हो सकता है ये लाइन आपको भी लग जाए, उन्होंने कहा कि बेटा आप जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहत आपके प्रति, आपकी उनके प्रति होती है किसी चीज के प्रति, और अगर आपका लक्ष्य उद्देश्य पवित्र और पाक है, उसमें लाग लपेट नहीं है, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपके माइंड से कुछ इनविजिबल रेज निकल के जाती है, कुछ किरणें निकल के जाती है, जो ब्रह्मांड के तारे नक्षत्र उनकी गति से गति मिला के और सुबह जल्दी ही आपके दिमाग में एनर्जी के साथ लौट के आ जाती है। अगर आपकी चाहत में बहुत ज्यादा शिद्दत है, बहुत ज्यादा पागलपन है, बहुत ज्यादा एक तीव्र इच्छा है, तो सृष्टि के जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो आपके हिसाब से ही चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनकी आपके दिमाग में आती है और उसके बाद में आपको वो चीजें मिलना शुरू हो जाती है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। बस इसी लाइन ने उनकी जिंदगी चेंज कर दी। उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, बोला महाराज प्रणाम, मैं चलता हूँ, और सीधे आ गए दिल्ली की डिफेंस मिनिस्ट्री में, और वहां के पता किया तो उनका सिलेक्शन हो गया था, उनको सीनियर असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में रिक्रूट कर दिया गया था, उनको पोस्टेड कर दिया गया था। उस समय वो दिल्ली में रहे, वहां से सीधे चले गए कानपुर, 2 साल तक कानपुर रहे, लेकिन कानपुर से उनको बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया बेंगलोर। उन्होंने कहा, जब मैं कानपुर रहा, बेंगलोर रहा, तो मुझे लगा हम लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, आज भी गुलामी है, क्योंकि हमारे मुल्क ने हजारों सालों से गुलामियां देखी है, कभी मुगल शासकों की गुलामी तो कभी अंग्रेजों की गुलामी, और उनकी गुलामी का असर हमारे दिमाग में इतना खतरनाक है कि आज भी हम उसी में उलझे हुए हैं। क्योंकि मैंने लखनऊ कानपुर के अंदर लखनऊ के नवाबों जैसे पान दबाए हुए इंसान देखे जो नवाबों की नकल करते हैं, तो बेंगलोर में मैंने फिरंगियों की नकल करते हुए कुछ इंसान देखे जो कुत्ते की जंजीर पकड़ के दिन भर सुबह शाम घूमते रहते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग पे जो गुलामी वो बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से। यही कहानी चलती रही। उसके बाद में इनको आगे चल के इनका इंटरव्यू था जो सीधा ही रॉकेट इंजीनियर के लिए था, जहां वो सीधे रॉकेट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और वहां पर उनका सबसे पहला जो भेंट होती है वो होती है सारा भाई। आप लोगों ने विक्रम सारा भाई का नाम सुना होगा, वो उनके इंटरव्यू लेने वाली टीम में थे, और उनका फाइनली रॉकेट इंजीनियर के लिए सिलेक्शन हो गया, और यहीं से शुरू होती है जीवन की दूसरी पारी। जहां से अब यहां से सबसे बड़ा चैलेंज था, उस समय तक कोई भी हिंदुस्तानी रॉकेट अपने दम पे लॉन्च नहीं किया गया था, ना ही कोई इस तरह का व्हीकल बनाया गया था, तो बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि सारे जो रॉकेट हम लॉन्च कर रहे थे सारे जो वो सारे फॉरेन कंट्रीज की मदद से ही लॉन्च कर रहे थे। उसके बाद विक्रम साराभाई ने 1962 के अंदर
एक केरला में थुम्बा नाम की जगह है, वहां पर स्पेस स्टेशन की स्थापना कर दी गई। उसके बाद में मुझे नासा रॉकेट की ट्रेनिंग के लिए नासा अमेरिका भेजा गया और 21 नवंबर 1963 को बहुत ही ये पहला जो हमारा नाइकी अपाची करके जो हमारा एक रॉकेट था वो हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एक्चुअली उन्होंने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये रॉकेट प्रोग्राम जो था वो 19वीं शताब्दी का प्रोग्राम भले ही हो, लेकिन इसकी जो कल्पना की गई थी वो 18वीं शताब्दी में ही कर ली थी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान सभी लोग जानते होंगे, टीपू सुल्तान का जो दस्ता होता था वहां पर कुछ ऐसे दस्ते भी होते थे जिनके पास रॉकेट्स होती थी, और जब वो मारे गए थे तो टीपू सुल्तान का जो पूरा दस्ता था वहां पर 700 रॉकेट मिले थे और 900 रॉकेट के सब जो सिस्टम्स थे वो बरामद किए गए थे। लेकिन उन रॉकेट के सारे सिस्टमों को अंग्रेजों ने सीधा ही अपने इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि उनकी टेक्नोलॉजी वो समझ सके। तो एक्चुअली ये रॉकेट का जो ख्वाब था वो इस सदी का नहीं था, इससे बहुत पहले टीपू सुल्तान देख चुके थे इस ख्वाब को। और बहुत बड़ी एक बात थी कि रॉकेट वो भी अपने दम पे बनाए, क्योंकि उस समय भारत के आप सोच सकते हैं उस जमाने में भारत की क्या स्थिति रही होगी, बहुत ही बुरे हालात, 1960-1950 वाला टाइम आप सोच सकते हैं कितनी भुखमरी थी, वहां पर रॉकेट की कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन और क्योंकि सारे कंट्रीज कभी नहीं चाहते थे कि, क्योंकि एक कंट्री कभी नहीं चाहता कि दूसरा कंट्री कुछ कर जाए, और यही था दबाव कि सारे कंट्रीज जो थे वो भी कभी, केवल कुछ कंट्री थी जो मदद किया करते थे, बाकी तो सारे लोग जो है ना खिलाफ ही रहा करते थे, और ये चलना था। लेकिन और देखिए उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो रिपोर्टर थे, वो भी ये मानते थे कि हिंदुस्तान को कहीं कोई खतरा नहीं है, किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, किसी भी मिसाइल की जरूरत नहीं है, हमें केवल हमारे देश की भुखमरी पे ध्यान देना है। लेकिन तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उस जमाने की, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें वर्ल्ड के जो मुल्क है, जो अच्छे वाले मुल्क है, अच्छे देश है, उनमें अपना दबदबा बनाए रखना है, उनके अंदर अपने आप को अगर हैसियत रखनी है या फिर वहां अपनी इमेज रखनी है या इज्जत रखनी है, तो ये प्रोग्राम तो चलाने ही पड़ेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले 2 रॉकेट लॉन्चिंग प्रोग्राम बुरी तरह से फेल हो गए थे। उसके बाद में मतलब SLV जो थे वो फेल हो गए थे, और SLV 3 जिसका नाम रोहिणी था, उसको भी 2 या 3 बार उसका प्रोग्राम जो है वो टाला गया था, रोहिणी का भी। लेकिन आखिरकार वो सफल हो गए थे, रोहिणी सफल हो गई थी, और एक बड़ी ताकत उनको मिल गई थी, बड़ी एक हिम्मत मिल गई थी, इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं बहुत। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोग्राम था उसके लिए उनको फ्रांस जाना था, लेकिन जब फ्रांस जाने के लिए वो तैयार होते उससे पहले ही खबर आती है कि उनके बहनोई जो उनके सबसे प्रिय थे, जिन्होंने उनको जिंदगी जीना सिखाया था, जलालुद्दीन, उनका डेथ हो गया था। उसके थोड़े दिनों बाद फिर से खबर आती है कि उनके जो फादर थे जलालुद्दीन, उनका भी 102 साल की उम्र में डेथ हो गया। उसके बाद में जैसे ही वो रवाना होने से थोड़ा सा ठीक पहले खबर आती है कि मदर भी वो दुनिया से छोड़ के चली गई, और ये इनके लिए बहुत ही बुरी बात थी। लेकिन जब वहां फ्रांस से उन्होंने सारा जो सीख के वापस लौटे, तो रिपब्लिक डे 1985 उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, गणतंत्र दिवस 1985 को घोषणा की गई और उनको पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये इनके लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उससे पहले रोहिणी उनकी सफल हो गई थी। लेकिन अब जो शुरू होती है, अब होती है असली उड़ान, अब था मिसाइल प्रोग्राम। क्योंकि मिसाइल आप जानते हैं बेटा कितनी बड़ी चीज होती है मिसाइल, शायद आप जानते नहीं होंगे, मिसाइल का मतलब है कि पूरी दुनिया का थर्रा जाना। ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो यहां से 5,000 किलोमीटर तक किसी भी दुनिया के शहर को नेस्त नाबूद कर सकती है। और जब मिसाइल हमारी बनी थी, उससे मिसाइल प्रोग्राम चालू हुआ था, उससे पहले दुनिया के कुछ सिलेक्टेड कंट्री थे जिनके पास मिसाइल थी, कुछ ही मुल्क थे जिनके पास मिसाइल की ताकत थी। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी पूरी टीम ने मिसाइल बनाते पहली पृथ्वी बनाई। पृथ्वी नाम इसलिए रखा क्योंकि पृथ्वी जो थी वो सरफेस टू सरफेस वार करती थी, मतलब जमीन से जमीन पे चलती थी, और बहुत दूर के भी किसी कंट्री के किसी भी बहुत बड़े शहर को उड़ाने में वो बहुत जबरदस्त। इसके बाद त्रिशूल आई, आकाश आई, आकाश में क्या था, आकाश जो थी वो जमीन से ऊपर आकाश की तरफ वार करने वाली थी। उसके बाद में नाग आया, नाग जो था वो एंटी टैंक मिसाइल थी, दुश्मन के किसी भी टैंक को नेस्तो नाबूद करने वाली मिसाइल थी नाग। तो इस तरह से, लेकिन इनसे सबसे बड़ी आई अग्नि। जब अग्नि की घोषणा हुई कि अग्नि बनाने जा रहे हैं हम, इस तरह की मिसाइल बनाने जा रहे हैं, और हमारी स्वदेशी खुद की बनाने जा रहे हैं,
तो पूरी दुनिया के मुल्क दहल गए थे, पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अब की बार जो प्रोजेक्ट था वो दुनिया का बेहतरीन और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और उस समय तक का यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। तो पूरी दुनिया दहल गई थी, पूरी दुनिया ने स्पेशली जो ईस्टर्न कंट्री थे, पूर्वी देश थे, वेस्टर्न कंट्री थे, ये जो बड़े देश थे, मजबूत देश थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह से भारत को कोशिश की कि उनको किसी तरह से भी डिस्टर्ब किया जाए, और भारत पे बहुत सारे प्रतिबंध थोप दिए गए कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी देश ना कोई अपनी टेक्नोलॉजी देगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करेगा। लेकिन यहां पर आके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा पूरे वर्ल्ड को संबोधित करते हुए कि कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, अब हमारा खुद का ही मिसाइल बनाएंगे, पूरी टेक्नोलॉजी हम खुद की ही लगाएंगे और जबरदस्त तरीके से इसको तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दुनिया के सभी देशों का। पूरी तरह से दबाव था कि भारत किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को रोक दे, किसी भी तरह से हिंदुस्तान और भारत में से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस प्रोग्राम का, जिन्होंने बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई थी, मजाक उड़ाई थी कि जहां भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, दाने नहीं है, वहां पर ऐसे मिसाइल प्रोग्राम की क्या जरूरत है। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रक्षा मंत्री वेंकट रमन जी ने कहा कि अगर हमें अपने आप को दोबारा गुलाम होने से बचाना है, या दुनिया में अपनी धाक कायम करनी है, या दुनिया विश्व बिरादरी में अपनी इज्जत या इमेज बनानी है, तो हमें हर हाल में ये प्रोग्राम करना ही होगा। तो पूरी दुनिया का दबाव था, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि हमारे सामने गवर्नमेंट मजबूत दीवार की तरह खड़ी थी, उन्होंने कहा प्रोग्राम चालू होगा। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और एक तैयार भी हुआ सारा कार्यक्रम, और वहाँ के चीफ जो बनाए गए वो पहले से ऑलरेडी कर चीफ ही थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल बन के तैयार हो गई। मिसाइल बन के तैयार होने के बाद जब उसका लॉन्चिंग करने का टाइम आया तो एक निश्चित समय मुकरर कर दिया गया, इस समय इसका लॉन्चिंग करेंगे। और जब लॉन्चिंग का समय आया तो थोड़ा सा जैसे स्टार्ट उन्होंने किया, मॉर्निंग आवर्स का टाइम था, जैसे स्टार्ट किया तो किसी एक पुर्जे ने गड़बड़ी दिखाई, तो उस पुर्जे को जब ठीक किया गया, थोड़ी देर बाद में कंप्यूटर ने फिर इशारा किया रोकने का, और लॉन्चिंग टल गई थी। इस समय पूरे हिंदुस्तान में उबाल आ गया था, बोला हिंदुस्तान की पहली मिसाइल है जो खुद ने बनाई है और वो लॉन्चिंग नहीं हो पाई, तो ऐसे प्रोग्राम की क्या जरूरत है। ऑलरेडी लोग पहले से ही बहुत ज्यादा नाराज थे और इसके बाद तो और भी ज्यादा नाराज हो गए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में प्रतिक्रिया की, अखबारों में कार्टून छपे जहां पर मजाक उड़ाई गई इस पूरे प्रोग्राम की कि ये क्या करने में है, क्या किस तरह का काम करने में, मतलब अलग अलग कार्टून छपे। एक कार्टून छपा जिसके अंदर एक आदमी एक दुकान वाले को सामान लौटाते हुए कार्टून के अंदर कह रहा है कि सर ये भी अग्नि की तरह नहीं चला, इसलिए इसको वापस ले लीजिए आप। अलग अलग लोगों ने, किसी ने कहा उसका स्विच नहीं दबा, स्विच में खराबी थी, किसी ने क्या कहा, लेकिन यहां पर घोर निराशा के बीच में फिर से एक डेट मुकरर की गई, एक तारीख जो है ना फिर से निर्धारित की गई कि आज से ठीक इतने दिन बाद में फिर से लॉन्चिंग करेंगे। और इस बार जब लॉन्चिंग शुरू हुआ उससे पहले ठीक थोड़ा सा पहले ही वापस प्रॉब्लम हो गई, लॉन्चिंग वापस टल गई। आप सोच सकते हैं क्या होने वाला था, बहुत ही बुरे, हिंदुस्तान पूरा यूँ समझ सकते हैं कि उबाल आ गया था हिंदुस्तान में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी खिल्ली उड़ाई थी, किसी ने कहा कि भाई ये तो किसी कार्टून में छपा कि ये तो अहिंसा पसंद मिसाइल है, किसी को कोई खतरा नहीं है। एक आदमी रुपए गिनता हुआ कार्टून में दिखाया गया जो कह रहा था, क्योंकि जब थुम्बा में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस समय आसपास के गांव खाली करा लिए गए थे और बदले में किसानों को कुछ रकम दी गई थी मुआवजे के तौर पे, तो पैसा गिनते हुए किसान कह रहा था कार्टून के अंदर कि भाई साहब एक या दो बार अगर ये प्रोग्राम और डिस्टर्ब हो गया तो मेरा तो खुद का ही मकान बन जाएगा, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा गवर्नमेंट से कि खुद का ही मकान बन जाएगा। लेकिन वो लोग बहुत ही हताशा में निराशा में चले गए थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनके लिए बड़ा चैलेंज था, पूरी दुनिया का भी दबाव था, पूरी दुनिया के दबाव को भी झेलना था, अपने काम को भी करना था, उसके अलावा जो परिवार के सदस्य चले गए थे उनका भी डेथ का भी जो है ना उनको सारा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तीसरी बार फिर मुकरर किया कि अब इस बार हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। फिर से वही आप जानते हैं, अमूल बटर वालों ने भी कहा कि भाई हमारा बटर खिलाओ आपकी मिसाइल को, मतलब इतना बड़ा मजाक उड़ाया गया उस प्रोग्राम का। लेकिन थर्ड जो स्टेज था लॉन्च होने का वो बिल्कुल मुकरर कर दिया गया, जो होगा सो हो जाएगा, बहुत बड़ी क्योंकि चैलेंज था उन सबके लिए। आने वाला हिंदुस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी उसी पे टिका हुआ था कि आगे होने वाला क्या है, किस तरह से क्या करने वाला है भारत। पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भाई क्या करने वाले हैं ये लोग, क्या करने में, क्योंकि हमें बिल्कुल ही कमजोर देशों में गिना जाता था उस समय तक। हमें बिल्कुल, हमारी यूं कह सकते हैं कि आज तो हम बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन उस समय तक हमारा जो स्थिति था बहुत ही पुअर था।
और ऐसे हालात में दो बार फेल हो जाना, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उन लोगों की। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा फिर से लॉन्च करने वाले और जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद में मुकर्रर कर दिया गया तारीख, और उसके ठीक शाम को, ठीक पहले, तत्कालीन रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर वेंकट रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहीं गलियारे में घूम रहे थे। तो वेंकट रमन ने कलाम साहब से पूछा, भाई कलाम, कल आपकी अग्नि की सफलता के लिए आप क्या करने वाले हो? कलाम साहब ने कहा, मैं कुछ देर के लिए सोचने लग गया, अचानक मैंने कहा कि अगर मेरी अग्नि सफल हो गई तो मैं 1,00,000 कोपले लगाऊंगा, 1,00,000 पौधे इस धरती पे लगाने वाला हूं। बस इतनी सी बात से तुरंत ही वेंकट रमन साहब ने कह दिया कि कलाम साहब, ये आपने जो आपके दिमाग में जो विचार आया है, इससे आपने धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आपके दिमाग में पेड़ लगाने की बात आने का मतलब आपने धरती माँ का आशीर्वाद ले लिया है, और कल आपकी अग्नि मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। बस इतनी जो वर्डिंग थी, इतनी सी बात उनके बीच में होती है। और सेकेंड डे जैसे उस मिसाइल ने पूरी की पूरी अल्फाबेट ही रट लियो, पूरी की पूरी ABCD रट लियो, बिल्कुल सटीक टाइम पे सटीक चीज हो रही थी, सटीक टाइम पे सारा सिस्टम चल रहा था, और सटीक टाइम पे सारा काम होके अग्नि लॉन्च हो गई थी। दोस्तों, अग्नि लॉन्च हो गई थी, पूरा विश्व जो है वो देखता रह गया था, और भारत बन गया था मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर वर्ल्ड के टॉपेस्ट जो गिने चुने थे उनकी श्रेणी में आ गया था। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था हिंदुस्तान का, क्योंकि स्वदेशी मिसाइल थी पूरी की पूरी, और पूरी की पूरी स्वदेशी होने के बाद में सबसे खतरनाक वाली भी थी, और इसको लॉन्च कर दिया गया था। और उसी की वजह से आज हम, और उसके बाद में आप जानते हैं उनका जीवन आगे, महामहिम राष्ट्रपति जी रहे, उसके बाद में एक बार जब वो साइंटिस्ट थे उस समय इंदिरा गांधी जी ने इनको बुलाया था, तो इन्होंने अपने साथ वाले साइंटिस्ट से कहा था कि मैं जाऊंगा कैसे, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं तो चप्पल पहनता हूँ, मेरे तो जो है ना ऐसे कपड़े हैं, मैं प्रधानमंत्री हाउस घर में उस हाउस में कैसे जाऊँगा, PM हाउस में जाऊँगा ही कैसे। तो उनके साथी ने कहा था कि साहब कपड़ों की जरूरत नहीं है, आपने तो सफलता की इतनी बड़ी इबारत पहन रखी है। तो ये उनके जीवन का कुछ प्रसंग मैंने लिया है, और आज उन्हीं की वजह से हम लोग बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज, क्योंकि देश क्या होता है बेटा ये शायद आप और हम नहीं जानते हैं, देश क्या होता है उनसे कभी पूछना जिन्होंने गुलामी देखी है। क्योंकि देश गुलाम होने का मतलब न केवल आदमी गुलाम होते बेटा, बल्कि पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी उनकी जो व्यवस्था है वो सारी गुलाम हो जाती है बेटा। ना आप अपनी कोई आपकी अभिव्यक्ति होती है, ना आपका कोई घर होता है, ना आपकी कोई दीदी होती है, ना कोई भाई होता है, आपका अपने ऊपर से ही पूरा का पूरा जो स्वराज है वो खत्म हो जाता है। आप दुनिया के बिल्कुल गुलाम बन जाते हैं, चाहे जैसे लोग उनको हांकते हैं। तो गुलामी क्या होती है कभी उनसे पूछना जिन्होंने गुलामी देखी है। अगर कोई जिंदा हो 1947 से पहले का इंसान, तो कभी उनसे पूछना गुलामी, मुझे नहीं लगता कोई होंगे, लेकिन कभी हो तो गुलामी क्या होती है, किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किए जाते थे, किस तरह से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है जहां हर कंट्री चाहता है कि मैं दूसरे कंट्री को चबा जाऊं, दूसरे कंट्री के ऊपर शासन कर लूं, उसको लूट लूं, उसका सब कुछ जो है ना अपना बना लूं, एक बहुत बड़ी एक दुर्भावना। लेकिन वहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आज हिंदुस्तान को, जो आज जो हमारा मुल्क है, जहां जिसको इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, वहां पर इन भगवान का, इन ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है। आपने शायद मेरी बात से समझ लिया होगा। और एक साधारण परिवार से निकल के वहां तक पहुंचना, बुरे हालातों के बावजूद पहुंचना, लेकिन कुछ एक ऐसी जिंदगी में घटनाएं होती है जो आदमी को चेंज कर देती है। इसलिए आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो आजादी का मजा ले रहे हैं। आप चाहे जैसे करते हैं, मैं चाहे जैसे करता हूं, ये इन्हीं की बदौलत है, अदरवाइज तो आप सोच सकते हैं। क्योंकि अभी भी, आज भी कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहां गुलामी है, आज भी उनका खुद का संविधान नहीं है, आज भी उनके खुद के जो है सेना नहीं है, आज उनकी खुद की जो है ना हुकूमत नहीं है, कहीं कोई चुनाव नहीं है, तो उनको पता होता है आज़ादी क्या होती है। तो ऐसे ही मैं आज़ादी में जो जिन वीर शहीदों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनको तो मैं सदा ही प्रणाम करूंगा, उनके लिए नतमस्तक हूँ। लेकिन उसके बाद में जो आज़ादी मुकर्रर की इन्होंने परमानेंट, जहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आने वाली थी, ऐसे भगवान को भी सत सत नमन करता हूँ यहाँ से। और मुझे लगता है शायद आपको इस छोटी सी जो इनका जीवन, क्योंकि इनका जीवन जो है ना उसको शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ इंपॉर्टेंट प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करूं, और शायद आप इनके बारे में जान के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और आप भी बेटा ऐसा कर सकते हैं, हर इंसान जन्म से ऐसा ही होता है बेटा,
लेकिन हम लोग उन चीजों पे, मैं फिर कह रहा हूं, हम बेटा गौण चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे जीवन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। हर व्यक्ति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हर व्यक्ति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, और हर व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी परिस्थितियां भी उसको उनको मिलती है, लेकिन हम लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग केवल केवल और केवल ये सोचते हैं कि जो चल रहा है ना यही जिंदगी है। अगर इन्होंने भी सोचा होता 15 साल की उम्र के बाद में कि मुझे MIT हो गया, मुझे कोई वो कर लेना है, लेकिन नहीं, इन्होंने आगे से आगे अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे कहां मेरे, मैं हिंदुस्तान के कहां काम आ सकता हूं। और आपको पता है जब इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद में जब इन्होंने राष्ट्रपति भवन को छोड़ा तो एक बैग में इनकी पूरी दुनिया आ गई थी, एक ही बैग में सारे कपड़े आ गए थे, वही सादा लिबास, वही सादा जीवन, वही सब कुछ। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कोई पैसा हो या बहुत ज्यादा कोई शोहरत हो, इनकी भी कोई शोहरत नहीं थी, आज तो दुनिया जानती है इनको, लेकिन आप शुरुआती दौर से लेके अब तक देखे तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट इनके पास नहीं था कि किसी पॉलिटिकल या किसी और किसी को कोई मदद करने वाला था या कहीं से मोटिवेशन मिलने वाला था। इन्होंने तो हर चीज में ही मोटिवेशन खुद ने ढूंढा कि मेरी आपा, मेरी जोहरा, मेरी दीदी अपने गहने बेच रही है तो मुझे इनके लिए क्या करना है, मेरे अब्बा जो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, अब्बा मेरे लिए जो है यात्रियों को ले लेके और पैसा कमा के मेरे लिए मदद कर रहे हैं, जिनके पास 1,000 फीस जमा कराने के लिए नहीं है, उनके लिए मेरी, मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ उन व्यक्ति के लिए, उन इंसान के लिए, उस भगवान के लिए, और मेरी अम्मी जान, उनके लिए, आसी अम्मा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बहनों ही जलालुद्दीन जो मेरे लिए ही सब कुछ त्याग कर रखा है, जिन्होंने सब कुछ मेरे को ही मान रखा है, मतलब इतना ज्यादा प्रेम था दोनों में, आप सोच नहीं सकते। जलालुद्दीन जो थे वो मम्मी पापा के बाद उनका थर्ड पोजीशन था जिन्होंने इनकी जिंदगी को प्रभावित किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब जलालुद्दीन दुनिया से गए थे, इनके बहनों ही जब दुनिया से गए थे तो सबसे ज्यादा इनको दुख हुआ था। और शमसुद्दीन तो ये छोटे 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 नहीं थे, बहुत बड़े किरदार है, हो सकता है हमारे लिए छोटे लग रहे हो लेकिन उनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़े किरदार है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल हमारे लिए बहुत बड़े किरदार है तो उनकी जिंदगी या उनके लिए जो बड़े किरदार है वो तो हमारे लिए डबल बड़े किरदार हो गए। तो इसका मतलब आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आदमी अपने दिमाग, अपनी जो सोच है उसके हिसाब से ही अच्छा या बुरा करता है। तो दोस्तों कब अच्छा करेंगे, सोचिए आप कब हम सुधरेंगे। आज भी कई बार हम जाते हैं कहीं देखते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को देख के तरस आता है कि भाई तू कब सुधरेगा, तू कब, तेरे को कौन समझाने आएगा, तेरे लिए कौन शमसुद्दीन बनेगा, कौन जलालुद्दीन बनेगा, कौन जलाबुद्दीन बनेगा, कौन आसी अम्मा बनेगा, कहाँ से कोई आएगा। भाई समझ ले, तेरे को खुद को ही अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि जिंदगी तो आपको खुद को ही जीनी है अपनी, किसी और के भरोसे ना तो आप और के भरोसे जी सकते हैं ना किसी, कोई और आपके भरोसे जी सकता है। आपको ही फैसला करना है कि करना क्या है, जिंदगी में जाना कहाँ है, जिंदगी में आपका मुकाम क्या है। छोटी छोटी चीजों पर जिंदगी तबाह करने के बजाय बेटा बड़ा फैसला लीजिए अपनी जिंदगी के बारे में, क्योंकि इनसे बड़े बुरे हालात तो आपके शायद है ही नहीं। आप तो अच्छे परिवार से भी है, आपके पास तो सब कुछ है बेटा, आज बढ़िया आपको खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो उसके बावजूद भी अगर हम अच्छा नहीं कर पाते तो परमपिता उस अल्लाह ताला को, उस भगवान को, उस वाहेगुरु को क्या जवाब देंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, इस देश को क्या जवाब देंगे, क्या हमारी मतलब क्या नैतिकता रहेगी फिर हमारी। आज हम वाकई जो नई न्यू जनरेशन देखते हैं, कल परसों में फेसबुक पे पढ़ रहा था कि आजकल तो ये सोशल मीडिया है, वहां पर तो पता नहीं ऐसे अजीब अजीब सी फलाने जी वो जी लगा के वो अजीब अजीब से नाम निकालते, मतलब चैनल्स के भी आप देखना अजीब अजीब से, भाई कहां जा रहे हैं आज वो वाली, देखिए आज से 2 साल 5 साल 7 साल पहले जाइए आप, आपके आसपास में जो लोग थे IAS की RAS की तैयारी करते, हालांकि आज भी करते हैं, लेकिन जो रेशियो जो यूथ आया है उसके अनुपात में आज भी हम लोग या हमारे में से उस जगह नहीं पहुंच पा रहे। जो रेशियो आज से 10 साल 5 10 साल 7 साल पहले का जो रेशियो था उसके हिसाब से अभी रेशियो में गिरावट आ रही है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल के ये समझता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज छोड़ दिया। हर कोई उस पोस्ट को बार बार, कितने लाइक आए, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया है, ये देख के ये समझता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, और उस प्रोग्राम पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं। आज भी हम लोग इन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। बेटा अगर जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो बेटा इन चीजों को छोड़ के और फैसला कीजिए एक बड़ा जिंदगी का, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा मेरे भाई। आज से 5 साल बाद में तू कुछ करने जैसा ही नहीं रहेगा, आज से 7 साल बाद में तू कुछ करने जैसा ही नहीं रहेगा, उसके बाद तेरी सोच दो। देखिए आज भगवान जो है ना वो कभी भी आदमी की सोच और एनर्जी इन दोनों को सेम टाइम पे नहीं देता है।
क्योंकि आदमी के पास जब एनर्जी होती है, अभी आपके पास बहुत एनर्जी है बेटा, आप अगर किसी पत्थर पे पूरी एनर्जी डाल दो तो टुकड़े कर दोगे बेटा, उस बहुत बड़े पहाड़ पे छेद कर दोगे। लेकिन समझ भगवान ने इस समय नहीं दी। कुछ ही बच्चे जो समझते हैं अपने कैरियर के बारे में, तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको दोनों चीज, बाकी जिस समय एनर्जी होती है बच्चे में समझ नहीं होती है। जब समझ आएगी आज से 5 साल 10 साल बाद, तो आपके पास कुछ करने के लिए एनर्जी या ऊर्जा नहीं रहेगी। इसका मतलब दोनों चीज बैलेंस नहीं रखता भगवान। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एनर्जी के टाइम ही समझ को डेवलप कर लेते हैं, जो एनर्जी के टाइम ही अपने आप को बहुत ही सही दिशा में लगा लेते हैं, वही बेटा दुनिया में तूफान मचाते हैं, वही आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई कब करोगे अपने आप को चेंज, कब जाओगे आगे, कब अपने जीवन के बारे में फैसला करोगे? क्योंकि आपको ही जीनी अपनी जिंदगी, किसी और की मदद के भरोसे मत बैठना। कोई मदद करने नहीं आएगा, मैं हजार बार कह चुका हूँ, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। सारा ये जो पूरा जो संग्राम है आपको अपने दम पे ही लड़ना है, अपने दम पे ही जीतना है, अपने दम पे ही योद्धा बनना है, किसी के भरोसे मत बैठना। और बेटा अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार इसको शेयर जरूर करना बेटा अपने दोस्तों के साथ में। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही बातें हम रोजाना करते हैं। आज थोड़ा स्पेशल हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कवर करने की कोशिश की है। मैंने कहा ना, कवर करने वाला दुनिया में कोई है नहीं, कोई है नहीं बेटा। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक ऐसे होते हैं जन्म लेते हैं तो भी वही बात होती है, उसके बाद उनका जो शादी होती है तो भी वहाँ उतने ही लोग आते हैं, जब दुनिया जाते हैं तो भी वही ज़्यादा संख्या में फ़र्क नहीं आता इनके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म होता है उस समय, हो सकता है कम आदमी उनको जानते होंगे या कम आदमी उनके प्रोग्राम में आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, शादी के टाइम भी हो सकता है शादी की हो या नहीं की हो या लोग नहीं आए होंगे। लेकिन जिस दिन वो दुनिया से जाते हैं ना बेटा, जिस दिन वो दुनिया से जाते हैं ना, तो वहां पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते कितने लोगों ने उनको याद किया है, कितने लोगों ने उनके लिए आंसू निकाले हैं। और जो सेकंड कैटेगरी है ना बेटा, यही जीवन की सच्चाई है बेटा, यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी में कोई ना कोई सफलता बेटा, कुछ ना कुछ तो ऐसा अचीव करना कि आप लोगों को बेटा कोई तो याद करे, कोई तो जो है ना बेटा आप जैसा बनने की कोशिश करे, कोई तो किसी के लिए तो आप आदर्श बने, किसी के लिए तो रोल मॉडल बने, इतना सा तो कम से कम करके जाना। कल फिर से मिलेंगे 4 बजे वाली क्लास में। आज 4 बजे क्लास भी थोड़ा सा वहाँ भी चाहेंगे ले नहीं पाए, क्योंकि यही चल रहा था दिमाग में कि पूरा उसी पे फोकस करना है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करना है। और काफ़ी सारे बातें थी वो स्पेस, मतलब कहा ना मैंने मेन पॉइंट्स जो है ना वो आपको निकाल के देने की कोशिश की है। तो शायद आपको हो सकता है किसी न किसी एक व्यक्ति को उनके जीवन से सीखने को मिले, आप अच्छा कर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहेगुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सिंह।